हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजियन 3D आर्टिस्ट चैनल। आज हम करने वाले हैं जो कि हमारा एक दो दिन के अंदर होली का फेस्टिवल आने वाला है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बैनर और फॉल एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट फाइल है, हमारे पास ये इमेजेस पड़ी हैं जो कि मैंने नेट से निकाली हैं। ये फ्री पिक्सल मिल जाएगी और ये आपको pixel.com पे मिल जाएगी, और इसका हम दोनों का यूज़ करके हम बैनर और फॉल एनिमेशन बनाएंगे। और इसके लिए पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, एप्सपाई। और एप्सपाई के बाद क्या करता हूँ, मैं एप्सपाई को खोल लेता हूँ। और एप्सपाई को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये बीजी है, इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पर हमें एप्सपाई के अंदर दो एक्सेस दिखाई देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को ऐसे ही रख लेंगे और वाई की जगह हम कर लेंगे जी एक्सिस। और एक्स एक्सिस को अभी हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके इसको होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग करेंगे। और अगर हम शिफ्ट दबाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो हमें यहाँ पर इसका क्लोजअप दिखेगा। और सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, और इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करके इस तरीके से सेट कर लेंगे इसको। और दोनों को हम सेम एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के अंदर और जी एक्सिस को जी एक्सिस के अंदर हम सेट करने वाले हैं। और उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको सेट करेंगे। और इसको सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 3D ग्रिड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। और आप यहाँ पर एक्स और वाई यू भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा काफ़ी हद तक ये मैच हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को कर लेते हैं सेव। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम होली कैम के नाम पे इसको सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कि ब्लेंडर है, ब्लेंडर को खोल लेते हैं हम। और ये हमारा ब्लेंडर खुल चुका है यहाँ पर। ब्लेंडर खोलने के बाद क्या करेंगे, फाइल के अंदर चलते हैं, और फाइल के अंदर जाने के बाद इंपोर्ट, और यहाँ पर एप्स फाइल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो पाथ था, हमने जहाँ पर ये फाइल सेव करी थी एप्स फाइल वाली, वहाँ पर हमने मैंने कॉपी करके रखा था, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर लेंगे हमारे सीन के अंदर। और सीन के अंदर इंपोर्ट करने के बाद हम जीरो प्रेस करते हैं, और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जेड के अंदर जीरो कर देंगे, और इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे और शिफ्ट ए करके एक क्यूब ले लेते हैं। और जीरो प्रेस करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ, और जीरो की प्रेस की, और यहाँ पर सॉरी जी जेड और एस प्रेस करके हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से इसके साथ मैच कर लेंगे। और शिफ्ट जी प्रेस करके हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से मैच हो चुका है या नहीं। और उसके बाद हम क्या करें, जी और जेड प्रेस करके हम ऊपर की तरफ ही ले जाएंगे इसको, और वन प्रेस करके हम फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। और इसके नीचे के जो वर्टेक्स हैं, इसको सेलेक्ट करके जी और जेड नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे इसको। और यहाँ पर एक्सट्रूड करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कैमरा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर बैकग्राउंड, और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद हम करते हैं सेवन प्रेस। सेवन प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, शिफ्ट ए और एक प्लेन ले लेते हैं, और प्लेन के अंदर क्या करेंगे, एस और एक्स, इसको हम यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग है नीचे ऊपर की तरफ, हम इसके हिसाब से हमारा जो प्लेन है इसको सेट करेंगे। और अभी हम क्या करते हैं, डॉट दबा के हम क्लोजअप व्यू में चलते हैं, और यहाँ पर टैब दबा के एडिट मोड के अंदर, और ये प्लेन के अंदर ना हम मल्टीपल लूप्स डाल देंगे, जिससे कि हमारा क्लोथ एनिमेशन काफ़ी अच्छे से स्मूथली हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टैब दबा के शिफ्ट ए और यहाँ पर कर्व, और यहाँ पर इस आर्केडियन को ले लेंगे और इसका रेडियस को कम कर लेंगे। और कम करने के बाद हम यहाँ पर इसके कुछ 5-6 टर्न लेंगे और इसका रेडियस ग्रोथ बढ़ा देंगे, और यहाँ पर इसका नीचे की तरफ, हाँ जी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर वाई 90 डिग्री, और इसको हम कुछ यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा वहाँ भी प्लेन है, सॉरी बैनर है, और बैनर को सिलेक्ट करके मॉडिफायर के अंदर ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पर डिफॉर्म के अंदर कर्व, और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। और तीन दबाकर अगर हम अभी चेक करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और हम क्या करते हैं, जेड वाई के अंदर इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं और कुछ इस तरीके से रखते हैं, और जो हमारा ये कर्व था इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने के बाद अभी हम बैनर को सिलेक्ट करके कुछ यहाँ पर, यहाँ इतना ठीक रहेगा। और अभी हम यहाँ पर ऐसे, जो कि ये इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, मॉडिफायर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर ये इन दोनों को ऑन करने के बाद अभी हम यहाँ पर ये हमारे वर्टेक्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और डाटा के अंदर जाकर हम यहाँ पर इसको असाइन कर देते हैं इस ग्रुप के अंदर। और अभी हमें एक चीज़ और करते हैं, शिफ्ट ए और एम्प्टी एम्प्टी क्रिएट करके हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट कंट्रोल पी, और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, मतलब कि इसके साथ पैरेंट कर लेंगे। इसको पैरेंट करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो ऊपर वाली बिल्डिंग है हम इसको ड्रैग करके, हमारी जो एम्प्टी है हमने क्रिएट करी थी, हम इसको यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेट कर लेंगे। और अभी हम कैमरा व्यू के अंदर चल के इसको अगर अभी चेक करें तो ये काफ़ी सही लग रही है। और अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो पोस्टर है इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर चलते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर जाने के बाद क्लोथ है मॉडिफायर, और यहाँ पर हम नॉर्मली जो ऊपर वाली ये चीज़ें हैं इसको बंद कर देंगे। शेप को सेलेक्ट करके पिन ग्रुप के अंदर ये ग्रुप को ऐड कर देंगे। कोलिजन के अंदर हम सेल्फ कोलिजन, और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग है ना इसको सेलेक्ट करके ये बिल्डिंग वाला बॉक्स को, और यहाँ पर कोलिजन ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम हमारा जो बैनर है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये देखिए कैच है, कैच को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको कर देंगे बेक। और बेक करने के बाद अभी हम प्ले करके देखते हैं ये कैसा लग रहा है। हाँ जी, तो ये देखिए, और ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0.4 कर देंगे। 4 करने के बाद अभी हम दोबारा से एक बार इसको बेक कर लेते हैं दोबारा से। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर ये स्लोली वर्क करेगा। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अभी हम क्या करेंगे, Ctrl+2 दबाएंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर ये मॉडिफायर अटैच हो गया है, जिससे कि अभी ये हमारा बैनर है काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा यहाँ पर स्मूथ। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हाँ जी, ये सब कुछ सही है। इसको अभी हम क्या करेंगे, सेव करेंगे यहाँ पर होली पोस्टर के नाम पर इसको सेव करेंगे। हाँ जी, तो ये यहाँ पर सेव हो चुका है हमारा। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू विंडो खोलते हैं। न्यू विंडो खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेडर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम न्यू नोड देंगे और Ctrl+T दबा देंगे, और यहाँ पर ओपन के अंदर चल के हमारा जो ये पोस्टर है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लोड करेंगे। और उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर अभी हम मटेरियल व्यू खोल लेते हैं, और मटेरियल व्यू खोलने के बाद ये देखिए हमारा पोस्टर यहाँ पर अपलोड हो चुका है इसके अंदर। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, रेंडर इंजन के अंदर चलते हैं, और ईवी की जगह हम करेंगे साइकिल, साइकिल का यूज़ करेंगे, और सीपीयू की जगह क्या करेंगे हम जीपीयू यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इसके हम सैंपल पॉइंट रखेंगे 100, और Ctrl+S। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर चलते हैं, और विजिबिलिटी और शेडो कैचर, और इसको क्या करेंगे हम अभी रेंडर व्यू के अंदर ले आते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा।
और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेंडर व्यू के अंदर जाकर और फिल्म, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे, सॉरी इसको नहीं, इसको। ओके सॉरी, यहाँ पर हमने गलत जगह पे विजिबिलिटी लगा दिया है, शेडो कैचर यहाँ पर लगाना है विंडो के, हमारा जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमने शेडो कैचर लगाना था, हमने सॉरी पोस्टर के अंदर लगा दिया। और अभी हम क्या करेंगे, करेंगे लाइटिंग, ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर हम यहाँ पर चलते हैं वर्ल्ड के अंदर और कंट्रोल टी, और यहाँ पर मेरे पास एक HDR पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो ये रही हमारी वो सिटी हाई स्काई वाली, और यहाँ पर हम इसको अपलोड करेंगे। लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट ए मिक्स कलर ले लेंगे और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके शिफ्ट ए स्काई, और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, 180, और यहाँ पर कुछ 40, और इसको 120 रखेंगे। ओके 150 कुछ नहीं, और यहाँ पर कुछ 10 कर देंगे, 4। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये सीन कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंडर नोड के अंदर चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, और यहाँ पर कलर मैनेजमेंट, और ये जो हमारा व्यू ट्रांसफॉर्म है ना, यहाँ पर AGX है, यहाँ पर हम क्या करेंगे फिल्में ले लेंगे, और यहाँ पर नॉन की जगह कर देंगे हम मीडियम लो कॉन्ट्रास्ट, और उसके बाद बैनर को सिलेक्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे शिफ्ट ए RGB कर्व ले लेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैन्युअली मैनेज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये जो हमारा मिशन वाला है इसको यहाँ से इसके साथ अटैच कर देंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ मैन्युअली मैनेज करते हैं कुछ 1.5। तो ये देखिए कुछ यहाँ पर, ये यहाँ तक हमारा फाइनल सीन रेडी हो गया है। और अभी हम क्या करेंगे, लास्ट सीन है जो, हम इसको रेंडर करेंगे, और रेंडर करने के बाद हम पहले उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी ये कुछ 20, और इसका सैंपल पॉइंट क्या करेंगे हम परफॉर्मेंस के अंदर जाकर 500, और कंट्रोल एस करके इसको अभी सेव कर लेते हैं। तो हाँ जी, तो ये हमारा बैनर रेंडर हो चुका है, और अभी हम क्या करेंगे कंपोस्टिंग के अंदर चलते हैं, और इसको हम बंद कर देंगे, और यहाँ पर कंपोस्टिंग करते हैं और यूज नोड, और यूज नोड लेने के बाद हम क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, जिससे कि हमारा वीवर नोड आ जाएगा, और शिफ्ट ए अल्फा ओवर ले लेंगे, अल्फा ओवर लेने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर शिफ्ट ए इमेज, और इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच करेंगे, और यहाँ पर ओपन और रेफरेंस के अंदर जाकर हम ये वाला जो BG है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए काफी बड़ा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो सीन है काफी बड़ा है, तो मैंने रेंडर थोड़ा छोटा करा था। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए स्केल ले लेंगे, और यहाँ पर हम जो ये हमारा इमेज है जो कि काफ़ी बड़ी है, तो हम इसके अंदर सेट करेंगे, और रिलेटिव की जगह हम क्या करेंगे रेंडर साइज कर देंगे। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है हमारी इमेज। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।